नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने कहा कि धान के स्टॉक को कहीं और ले जाने और धान की फर्जी खरीद से बचने के लिए खरीद तंत्र को और अधिक मजबूत करने व पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब से धान को मंडियों से मिल परिसर तक पहुँचाने का कार्य खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग व अन्य खरीद एजेंसियों द्वारा किया जाएगा और धान की धुलाई के लिए उपयोग होने वाले ट्रंकों को जेपीएस युक्त किया जाएगा ताकि उनकी आवाजाही पर नजर रखी जा सके। और इसी के साथ देखते रहिए पलपल की विशेष रिपोर्ट। खरीफ 2019 में खरीदे गए जीरी के जो सही खरीदा हुआ है और सही मात्रा में वो स्टॉक अवेलेबल है या नहीं मिलर के पास, इसको चेक करने के लिए पहले एक सर्सरी वेरिफिकेशन किया गया था। उसके बाद कुछ नीति निर्धारण करके एक फॉर्मल वेरिफिकेशन फिर उन लोगों से किया गया। हमने करीब 300 टीम बनाए थे विभिन्न जिलों में वेरिफिकेशन के लिए और कुल जो वेरिफिकेशन करना था 1304 मिलों को वेरिफिकेशन करना था। तो वो वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है हमारा पूरा हो गया। उसके बाद जो डाटा हमें कहा था कि वेरिफिकेशन के दौरान वीडियो फिल्मिंग कराई जाएगी और उसके जो मिल के कंपाउंड की एक साइट प्लान बनाया जाएगा कि हमारे कहाँ कहाँ स्टॉक रखा गया है जिसको वेरिफिकेशन के दौरान हम देख रहे हैं, वो सारे कार्रवाई पूरा हो गया है। और उसके बाद हमारी जो नतीजे निकले हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कुल 1304 मिलों का वेरिफिकेशन के बाद हम जो स्टॉक चाहते थे, टोटल स्टॉक हमारे जो अकाउंट करना था वो था 64.40 लाख टन, 64.40 लाख टन जीरी हमें तीन शक्ल में मिल सकता था। एक जीरी के शक्ल में मिलर के कंपाउंड में, दो चावल के शक्ल में मिल के कंपाउंड में, तीसरा चावल के शक्ल में जो एफसीआई को मिलर ने ऑलरेडी इस दौरान दे दिया है। हमारे वेरिफिकेशन के बाद जो हमें नतीजे निकले हैं वो है कि हमें मिला है 64,400 टन का अकाउंट फॉर हो गया है 42,589 टन, 42,589 टन जीरी हमें कम मिला है। कुछ जगह कुछ मिलों में चावल एक्सेस में मिला है, लेकिन वो चावल क्योंकि हमारा नहीं है तो हमारे उसके साथ कोई सरोकार नहीं है। हमने अपने अकाउंट करते हुए जीरी के स्टॉक को ही अकाउंट किया। जीरी के स्टॉक के अलावा हमारा जहां ज़्यादा मिला है चावल उसको हमने इग्नोर किया है। अब ये जो निकले हैं हमारे एक एनालिसिस और भी है, वो ये है कि इन 1304 मिलों में से कुल 1207 मिलों में कमी मिली है, यानी 100 के करीब मिलों को छोड़कर बाकी मिलों में थोड़ा और या ज़्यादा कमी निकली है। उसका भी एक एनालिसिस मैं बता रहा हूँ कि 5 टन से नीचे नीचे कमी 205 मिलों में मिली है, 5 टन से 10 टन के बीच में 134 मिलों में कमी निकली है, 5 से 10 के बीच में 134, 10 टन से 25 टन के बीच में 248 मिलें निकली हैं और 25 से 50 के बीच में 325 और 50 टन से ज़्यादा 295 मिले हैं। अभी हम इन सभी मिलों को एक शो कॉज नोटिस जारी कर रहा हूँ, मैंने फाइल पर ये आदेश दे दिया है कि वो हमें बताएंगे एक कि किस कारण से ये शॉर्टेज उनके यहाँ पाया गया और क्यों ना उनके खिलाफ जो सिविल लायबिलिटी है उनका और जो क्रिमिनल लायबिलिटी है उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उनकी जवाब आने के बाद, उनके जवाब एनालिसिस करने के बाद और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर से सलाह करके फिर हम फैसला करेंगे वे किस मिल के खिलाफ किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी। एक चीज़ तो तय है जो सभी मिल के खिलाफ होगा, वो ये है कि उन मिलों में वो जीरी पहुँचाने के लिए हमारा जो खर्चा हुआ था वो सारा खर्चा को हम जरूर उनसे इंटरेस्ट समेत रिकवर करेंगे। उसके अलावा और क्या पेनल एक्शन हो सकता है, कितने लोगों के खिलाफ हो सकता है, कैसे किया जाएगा वो तय करना बाकी।